नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक के फिक्स डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप ICICI बैंक में 1 लाख रुपए की FD करते हैं या उससे अधिक की करते हैं तो आपको रिटर्न में कितना पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो शुरू से एक लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मैं कोई नई वीडियो डालूं आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ICICI बैंक के इंटरेस्ट रेट को जान लेते हैं कि कितने समय के लिए हम FD करें कि सबसे अधिक हमें ब्याज दर मिल जाए। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये टेबल दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार के इंटरेस्ट रेट्स के आ चुके हैं, कितने समय के लिए हमें FD करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्याज दर मिल जाए। अभी दोस्तों जितने भी ब्याज दर हैं अभी 7 जून को ही अपडेट की गई हैं, इसलिए मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। आपको मिनिमम दे सकते हैं, अगर आप 7 दिन से लेकर 14 दिन की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको जनरल कंडीशन में 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर आप वहीं सीनियर सिटीजन है तो आपको 4.5% का ब्याज दर मिल जाएगा। अब इसे एक वर्ष बढ़ा लेते हैं, अगर हम एक वर्ष से लेकर 389 दिन से कम की FD करते हैं तो इसमें हमें 6.60 का ब्याज दर मिल जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.10 का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम 5 साल 1 दिन से ज़्यादा और 10 वर्ष से कम की FD करते हैं तो आपको सबसे अधिक 7% का ब्याज दर मिल जाएगा। वहीं आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.50 का ब्याज दर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टेबल जान चुके होंगे कितना हमें ब्याज दर मिला है। आगे हम कैलकुलेट करके जानेंगे कि दोस्तों अगर हम 1 लाख रुपए की FD करते हैं 1 साल के लिए 5 साल के लिए तो कितना हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे वीडियो देखते रहे। कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक वेबसाइट को ओपन कर लिया है जिसका नाम है FDCalculator.in। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं, अगर हम 1 लाख रुपए की FD करते हैं तो कितना हमें 1 साल में मिल जाएगा। सबसे पहले एक ही अमाउंट में यहाँ पर फिल कर लेते हैं। यहाँ अमाउंट फिल करने के बाद जो हमारा इंटरेस्ट रेट है एक वर्ष का वो 6.6 है, तो यहाँ पर 6.6 टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आपको सीधा कैलकुलेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे आपका जो FD अमाउंट है वह कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अगर आप 1 लाख रुपये की FD करते हैं तो आपको 1 साल में 6,765 रुपये का इंटरेस्ट रेट, यानी कि दोस्तों इंटरेस्ट मिल जाएगा। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा वो 1,06,765 रुपये मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम 1 लाख रुपए की FD को 5 वर्ष के लिए करते हैं तो कितना मिल जाता है, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप 5 वर्ष की करते हैं तो हमारा ब्याज दर जो है वो 7 हो जाता है। यहाँ पर 7 फिल करने के बाद आपको कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे आपका फिर से यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा सभी प्रकार से। आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपये की FD 5 वर्ष के लिए करते हैं तो आपका जो ब्याज दर हो जाएगा टोटल 5 वर्ष का वो 9,485 रुपये हो जाएगा, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,41,478 रुपये हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम थोड़ा अमाउंट बढ़ा लेते हैं, 1 लाख से अगर हम 5 लाख रुपए की FD करते हैं तो कितना मिल जाता है। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए फिल कर देना है। 5 लाख फिल करने के बाद अगर 5 वर्ष के लिए रहने देते हैं, ब्याज दर हमारा 7 ही रहने वाला है, फिर से आपको कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 5 लाख रुपये की FD करते हैं 5 साल के लिए तो आपका जो इंटरेस्ट हो चुका है वो 47,424 रुपये आ जाएगा, यानी आपको 5 वर्ष के दौरान 47,000 लगभग का ब्याज मिल जाएगा। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 7,73,089 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ जाकर इस वेबसाइट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप जितना अपने हिसाब से फिक्स डिपोजिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप जान चुके होंगे कि अगर आप ICICI बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितने पैसे आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले ही मैंने कुछ बैंकों के फिक्स डिपॉजिट के बारे में वीडियो बनाई है, ऊपर आपको आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपका भी कोई भी सवाल सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।